नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह सुबह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शनिवार सुबह बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी। वहीं अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पदभार मिला है। राज्य में मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि ये फैसला पार्टी का नहीं है और अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार ने अंधेरे में डाका डाला है। आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये फैसला सही है या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।